सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों ने 581 छोटे बड़े देहातों को तबाह किया है, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों का पूरा इंतजामी ढांचा तबाह होकर रह गया है, जिसमें न सिर्फ सड़कें और पुल शामिल हैं बल्कि तबाहशुदा इमारतों में हर तरह के सरकारी और निजी इदारे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तंदर भी लगे थे, आप लोग क्या बोलते हैं, हम पुश्तों में तंदर बोलते हैं उसको। 5-6 दिन तो बारिश मुसलसल बरस रहा था, 5-6 दिन तंदर लगता था, ये सारी लकड़ी सब ले गया। 5-6 दिनों मुसलसल बारिश था, लोगों का बहुत तबाही हुआ, लोग ले गया सारा, कम अज कम 700-800 लोग ऊपर से ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाहकारियाँ हो चुकी हैं और जो हाउस होल्ड इससे अफेक्ट हो चुके हैं तो वो 1.9 मिलियन के करीब थे। यानी जितने लैंक रोड्स थे उनको ख़राब किया हुआ है, जितने पुल्स ब्रिजेस थे उन सारे जो है वो बहा के ले गए हैं। सख्त देर तकलीफ होना थी, हम पर बहुत ज़्यादा तकलीफ गुजरी है, हम लोग अपने घरों को देख रहे थे और सैलाब आ रहा था, एक जोड़ा कपड़ा और ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी नहीं उठा सके, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था, हम लोग अपना सामान उठा ही रहे थे कि सैलाब आ गया और सारा सामान बह गया और हम लोग यूं ही रह गए, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया, कुछ लोग पहाड़ों की तरफ चले गए और कुछ लोग मस्जिद में चले गए। ये जी बारिश सैलाब की वजह से ये गिर गया है जी, ये सारे डूबे थे दरिया में, ये भी देखो हर कमरा में इसी तरह पड़ा है, ये देखो उसको अंदर आने की जगह नहीं है, ये बिल्कुल सारे पड़े ये लड़की वगैरह पड़े ये। खाने को कुछ नहीं था कि हम लोग खा सकें, दुख से भूख भी नहीं लगती, जो कपड़े पहने थे उसी में ही भाग कर निकलना पड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुराक की चीज़ें गाड़ियों में आना शुरू हुई, वो भी शरपसंद लोग लूट कर ले गए। हम तो जब निकलते थे तकरीबन पानी इस वक्त 4-4 फुट 5-5 फुट था, और जो गांव में बचे हुए थे रह गए थे वो किश्तियों और ट्यूब के जरिए यहाँ से निकले। मुश्किल तो यही है कि हमारे जो ज़्यादातर हिस्सा था वो ज़रात पे था, वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा काम बागबानी का था वो ख़त्म हो चुका है तकरीबन, और जो मवेशियाँ थी वो ख़त्म हो गई है, घर जो है वो वीरान हो गई है, अभी तो हमें जो कुछ बचा है मामूली जो इमदाद आ रही है इसके गुजारे हम कर रहे हैं, आगे हमारे पास तो दुनिया जाने, यकीन कर ले हमारी मईशत तो बिल्कुल सिफर पे आई है। इसके अलावा जो लैंड था दरिया पंचकुड़ा के किनारे एक साइड और दूसरे वो उस पर क्रॉप था, राइस मेज और वेजिटेबल खसूसी तौर पर उन सबको बहा के ले गए, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है इससे। वहाँ ये दरिया नहीं वहाँ बहता था, ये सारी ज़मीन थी, ये दरिया जो अभी बहता है ये ज़मीन थी, आबाद ज़मीन थी, और ये पानी जो वहाँ उसके पार बहते थे, उस लड़के के पार बहती थी, वो यहाँ जो खेलते हैं, हम खाते पीते खाते थे इनका फसलों, लेकिन गुजारा नहीं होता था, खाते थे इनका फसल जो था ये हर आदमी का इतना ज़मीन था कि उसका अपना इस्तेमाल का होता था, सब्जियाँ तैयार थी, ज्वार का फसल तैयार था, मकई का तैयार था, सब फसलें जो हमारे हैं बागात तैयार थे, नाशपाती के फल जो थे वो तैयार थे, वो सब सैलाब में तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में जो एग्रीकल्चर जो मतलब जिस पे लाइवलीहुड डिपेंड करता है वो तकरीबन 70% है, जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में तो ऑटोमेटिकली उनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे है, और उनकी मैक्सिमम जो लैंड होल्डिंग है 1-2 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक लैंड होल्डिंग है मेजॉरिटी लोगों की। रूरल एरियाज़ में लोग या क्राफ्ट एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आमदनी का उनके फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है या लाइफ स्टॉक सेक्टर होता है। अब हमारा जो टोटल इनिशियल एस्टिमेट है जो गवर्नमेंट भी उससे एग्री कर रहे हैं वो तकरीबन 2.3 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज़मीन जो है जिस पर स्टैंडिंग क्रॉप था वो ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि इसमें लोगों का जो इरिगेशन सिस्टम है कि फार्मर उसको खुद मेंटेन करते हैं, खुद उसको ऑपरेट करते हैं, तो बिल्कुल तबाह हो गया। अब इनकी जितनी भी इरिगेशन चैनल्स है उसमें पानी नहीं आ रहा है। मिट्टी आया हुआ है, हाँ मिट्टी कौन सा आया हुआ है? ये पानी ले गया, सीन का मिट्टी है, ये रेत नहीं है, और ये फसल भी नहीं ये फसल भी नहीं करते, ये फसल ले गया है।
ये दूसरा चैनल है, बड़ा चैनल था, इसको तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इस बड़े चैनल से जो है ये दाएँ वाली ज़मीन ही नहीं है, ये सैराब होती थी। हाँ, उस छोटे चैनल से वो ज़मीन ये सड़क के नज़दीक, हाँ, और इससे ये ज़मीन है, और लेकिन ये ज़मीनें भी बहा ली गई है। ये हमारे बस से बाहर इनका आबाद करना, इनका दोबारा बनाना। फार्मर्स के पास या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास जो वीट स्टॉक था, ग्रेन का, फूड डिपार्टमेंट का था या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जो सोइंग के लिए था, मतलब बोने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो तकरीबन सारे स्टॉक्स तबाह हो चुके थे। सीरियल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पीरसबाक नौशहरा के सीड जो हमारे स्टोरेज है उसमें खड़ा हूँ। यह हमारा मेन थ्रेशिंग फ्लोर है, और जो गंदम और मेज़ पर हम मेनली काम करते हैं, तो उसमें जो सीड आता है वो यहीं पर हम स्टोर करते हैं। और ये हालिया जो बार सैलाब आया है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास गंदम का बीज पड़ा था वो सारा आपको मंजर में नज़र आया कि वो सारा ख़राब हो चुका है। और इस वक्त हमारे पास पीरसबाक फार्म में कोई भी सीड ज़मींदारों को या एनजीओस को या एक्सटेंशन फार्म्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी इनपुट्स ले ले, क्योंकि इनपुट्स के प्राइसेस बहुत ऊपर गई है। और अगर आप रिटर्न उसको देखें तो रिटर्न इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर वो इनपुट इस्तेमाल न करे तो उनका जो लेबर वो उसमें लगाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर वो मार्जिनलाइज हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट ग्रेजुअली उससे निकल रहा है, तो उसका ये असर होता है कि वो बिल्कुल उनके पास पर कुछ नहीं रहता अपने रोज़गार के लिए और अपने फूड सिक्योरिटी के लिहाज से। तो ये ओवरऑल सारी तबाही हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सूबे में सारा दारोमदार ज़रात पे है या माल मवेशियों के पालने पे है, तो अगर इनको सही तरीके से रिस्टोर न किया गया तो मेरे ख्याल में हम आइंदा चंद सालों के लिए काफ़ी मुश्किलात से दो चार होंगी। हमने एक रे भी मिस किया अभी सीज़न, इसका इम्पेक्ट अगले एक साल के लिए नहीं होगा, पाँच साल के लिए होगा। वो इस तरह होगा कि अब अगर उन्होंने सीड नहीं किया वो अगले साल के लिए वो सीड कहाँ से लाएंगे? एक दो साल इस तरह ज़ाया हो गए। फिर उनका इस तरह रिसोर्स नहीं होते, मेजॉरिटी जो फार्मर है वो छोड़ेगा अपनी ज़मीन को। The wheat season is upon us. Seed must be in the ground by at the latest November 20th, after which yields or productivity of the product actually start to fall. So we put together a very robust and timely program to support these farmers to be able to plant this season so that 6 months from now they have household food security and wheat to consume at the household level. ये सीजनल एक्टिविटी है और सीज़न बाउंड है, इसलिए इस पर वार पुटिंग पर काम किया गया। चूँकि पहले से हकूमती इदारों ने पहले से उन्होंने डैमेज नीड असेसमेंट की थी कि जी ज़रात में या अमूर हैवानात में कितने नुकसानात हुए और किस इलाके में कितने, कौन सा इलाका ज़्यादा अफेक्टेड हो गया। तो जो ज़्यादा इलाके ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं तो उसको हकूमत ने प्रायोरिटाइज़ कर दिया। Training is being provided to farmers that receive seed on both proper and advanced cultivation techniques, weeding, watering, and then post-harvesting to ensure that some of the 30% losses in the sector are actually reduced. गंदम हमारी सबसे अहम पैदावार है और ये ज्यादातर हमारी ही जमीनों पर काश की जाती है। गंदम करली की लुम्बने द टोलो न गट खबर दादा च दादा पवख्त मांदे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर हम अपनी इस जरखेज जमीन को सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे और बीज वक्त पर नहीं बोएंगे तो हमारी जमीन जाया होगी। खो वक्त सदे आगा द 1 नवंबर नवा
इस साल बीज बोने का वक्त 1 नवंबर से 15 नवंबर है। फसल की छड़ाई के बाद ये जरूरी है कि पौधों में से फालतू पत्तों और गैर जरूरी चीजों को साफ कर दिया जाए। मतलब की मिलावट थे 100 किसानों दा शे नशो के दे दा 300 किसानों दा पर दे ता सुता। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें पूरे सूबे में छोटे किसानों की मदद की जा रही है। हमारे घर और ज़मीनें सब कुछ तबाह हो गया है। अब हमें इन माहिरीन ने ये बीज दिए हैं और हमें ये बताया है कि ये बीज हम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बो दें। और ये काम एक ऐसे वक्त में किया गया है जब हमें इसकी सख्त ज़रूरत थी। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और इनके लिए दुआगो हैं। हाँ दाता उस्ता ददे करल दी नुदा खास पमुखा माए ता सदरा रे नुददे ता सो द द शुक्रिया सारा दुआगा ने कि मैक्सिमम जहाँ तक हो सके हर एक ज़मींदार को, और ये अक्सर छोटे ज़मींदार है, इसमें बड़े ज़मींदार नहीं है, तो हर एक ज़मींदार को उन्होंने एक पैकेज रखा है कि 50 किलो गंदम का तुखम, 50 किलो फर्टिलाइज़र DAP और यूरिया, ये एक हाउस होल्ड को या एक फैमिली को मिले। और बहुत आराम और इज़्ज़त के तरीके से उन्होंने हमें माल दे दिया, बहुत इज़्ज़त के तरीके से एक जगह पे बिठाया और हमारी बहुत इज़्ज़त की उन्होंने, और बहुत आराम से कोई किसी किस्म का कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आया और वो माल हमें मिला। कि वो फार्मर जिनकी ज़मीन 1 एकड़ या 2 एकड़ तक, हम उनको सपोर्ट करेंगे अंडर द करेंट प्रोग्राम। लेकिन इसमें हमने शेयर क्रॉपर भी इंक्लूड किया है, इसमें हमने टेनेंट्स भी इंक्लूड किए हैं, और उसका मकसद ये है कि अगर फर्क ज़मीन एक टेनेंट ने ले लिया है, शेयर क्रॉपर ने ले लिया है, तो हमारा सपोर्ट उनको भी है। इट इज़ नॉट इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस बट इंस्टेड प्रोवाइड्स फॉर द रिकवरी पीरियड। Because this program is focused on ensuring household level food security, we have focused on the most vulnerable of farmers. Agriculture support, seed fertilizer, unko training wagaira dena, kyunki hum vegetable bhi de rahe hain. Ab vegetable nutrition point of view se bahut important hai. Women traditionally cultivate vegetables and care for livestock at home, and thus this program distributes both wheat and vegetable seed to improve and maintain household nutrition levels and provide support for livestock, and women are the main caregivers of livestock across Pakistan. हमने सुना था कि अमेरिका से कोई चीजें आई हैं, मैं भी चादर पहन कर आई हूँ और मेरी तरह दूसरे लोग भी आए हैं, इसीलिए आए हैं कि यहाँ हमें कोई सामान मिले और अल्लाह पाक रहम करे, कुछ और सामान भी आए और अल्लाह से भी मांग रहे हैं और अमेरिका भी इमदाद करे। सीड का बड़ा रोल होता है प्रोडक्शन में, अप टू 30% अगर आपने अच्छा सीड दे दिया उसके इतना रोल होता है उसमें। हमारी ये पॉलिसी है कि हम लोकल सीड को यूज़ करते हैं। सीड में बहुत ज़्यादा वो है, अगर आप बाहर सीड लाए और मैं आपको तो वो उसके साथ कई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। अब हमने ये किया कि इधर पाकिस्तान में लोकल सीड हमने अरेंज किया। ये जो हम आज बो रहे हैं ये तकरीबन इंशाल्लाह 10 दिन के बाद ये उगेगा, फिर हम उसको पानी लगाएंगे, फिर तकरीबन महीने में ये हो जाएगा बड़ा तकरीबन आधा फुट तक,